राकेश जी, एक मन में काफ़ी समय से सवाल है और मेरे जैसे जो नौजवान उम्र के बच्चे हैं बहुत रहता है उनके भी मन में, मैक्सिमम बच्चों के सवाल ये रहता है मन में, जो भगत सिंह और गांधी जी को लेके हैं कि जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो उस समय गांधी जी ने भगत को क्यों नहीं बचाया? देखिए, ये एक प्रचार है जो महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व बन के आया था पूरे देश में, वो भारतीय राष्ट्रवाद के एक प्रतीक बन गए थे। तो लास्ट में जो प्रचार हुआ उसमें इतने क्वेश्चन मार्क लगाए गए कि भारतीय लोग अपने इस प्रतीक पे प्रश्न चिन्ह लगा सके। उसी तरह का एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया भगत सिंह और गांधी के संबंधों को लेकर। लेकिन जब हम इसकी विस्तार से छानबीन करते हैं तो ये बात सही नहीं पाई जाती। पहली बात समझेंगे कि जिस समय भगत सिंह की फांसी का प्रश्न आया था, उस समय जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1930 में, तो उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी सरकार, अंग्रेज सरकार ने दमन किया था, पीटा था, ये करा था। कोई गांधी जी की पॉकेट में को अंग्रेज सरकार नहीं थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इन संबंधों को अगर विस्तार से देखें तो गांधी के असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही नौजवानों का एक ग्रुप जो भगत सिंह था आगे बढ़ा, क्योंकि तो गांधी जी ने आह्वान करा था कॉलेज छोड़ो, विद्यालय छोड़ो, और देश में एक वातावरण बना था विदेशी वस्त्रों की, होली जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ। तो उन सब वातावरण में ही भगत सिंह का ग्रुप जो है सामने आया, और ये सारे ग्रुप ने जो भी काम किए, फिर ये लोग जेल गए, जेल में मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई। तो कांग्रेस कार्य समिति का एक जिक्र दिया जाता है जिसमें बकायदा वोटिंग हुई थी और भगत सिंह के बारे में कांग्रेस के सीधे हस्तक्षेप की बात तय नहीं हो पाई थी। लेकिन गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। अब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। और उस पत्र में वो लिखते हैं कि जैसे कि आपसे मेरी पहले बातचीत हुई थी, यानी वो पत्र ये भी साबित कर देता है कि गांधी जी ने पहले इरविन से बात की थी इस बारे में कि भगत सिंह को फांसी की सजा देना गलत है। तो गांधी जी ने उनके सामने जो तर्क रखे थे, शायद पहले बातचीत में रखे होंगे, बाद में उस पत्र में दिए हैं, और गांधी वांग्मय में वो पत्र छपा हुआ है। उसमें दिया गया है कि अगर इन नौजवानों को फांसी दी जाती है तो उससे देश में इस तरह के लोगों की कुर्बानी और इसका मुद्दा आगे बढ़ेगा, ये ग्रुप मजबूत होगा, और अगर हम इन्हें माफ़ करते हैं तो लोगों का विश्वास कायम होगा। तो गांधी का ये पत्र जो है वो ये शो करता है कि उन्होंने इरविन से बातचीत की थी और उसके बाद भी फांसी से 2-3 दिन पहले ये पत्र इरविन को लिखा था। अच्छा, उस पत्र के बाद जब फांसी हो गई तो गांधी जी ने कांग्रेसियों के लिए एक पत्र लिखा कि हमें पूरे देश में इसका शोक मनाना चाहिए, हड़ताल करनी चाहिए, है ना, और जितने भी स्तर तक इसका विरोध देश भर में हो सकता हो वो करना चाहिए। दूसरी एक बात ये है कि सुखदेव ने जेल से पत्र लिखा था गांधी जी को, जो ये बात शो करता है कि गांधी जी और उन लोगों के बीच एक बातचीत चल रही है। गांधी ने भी सुखदेव को पत्र लिखा और सुखदेव ने गांधी को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने ये लिखने की कोशिश की, सुखदेव ने जो लिखा वो ये लिखा कि भाई आप हमसे बार बार ये अपील करते हैं कि हम हिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसा के रास्ते पे चले जाएं, तो हमारा आपसे ये कहना है कि हम तो एक राजनीतिक संगठन है, एक विचार है, एक दृष्टिकोण है, तो इसकी एक विधिवत बातचीत होनी चाहिए, ये अपील वाली बात नहीं है, हमने कोई हिंसा का रास्ता चुना नहीं है। तो एक बाकायदा बातचीत अगर होती है
तो उसी में रास्ता निकल सकता है कि आगे किस रास्ते से करा जाए, क्या करा जाए। तो इसका मतलब है कि एक संवाद गांधी जी बना रहे हैं। दूसरा, सुखदेव के पत्र से साफ होता है कि सुखदेव गांधी जी को देश का राष्ट्रीय नेता मान के ही पत्र लिख रहा है, बड़ा मान के ही पत्र लिख रहा है। वो कोई ऐसे पत्र नहीं लिख रहे हैं कि गांधी जी से उनका कोई विरोध हो, है ना। वैचारिक अंतर है कुछ सवालों पे, उस वैचारिक अंतर को लेके सुखदेव ने काफ़ी लंबा पत्र लिखते हैं और गांधी जी भी उन्हें पत्र लिखते हैं। इसका मतलब पत्रव्यवहार हो रहा है। तो ये पूरी बात ये दर्शाती है कि एकदम गांधी पे ही आरोपित कर देना कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी को नहीं करा, तो गांधी खुद आंदोलन कर रहे थे, लॉर्ड इरविन उनके कहने में तो थे नहीं, लेकिन ये बात गांधी के पत्र से प्रमाणित हो जाती है कि गांधी एक बार पहले भी इरविन से बात कर चुके थे और बाद में भी इरविन से बात कर चुके थे। मतलब फांसी से जस्ट पहले उन्होंने पत्र भेजा था इरविन के पास, 2-3 दिन पहले ही। हाँ, इसको माफ़ कर दिया जाए, उसकी डेट दी है गांधी वांग्मय में, वो पत्र छपा हुआ है। अच्छा, इसको माफ़ कर दिया जाए। ये पत्र करीब क्या 19-20 या 21 मार्च 1931 का हो सकता है, 2-3 दिन पहले। 23 मार्च, हाँ 20 मार्च का है शायद, 20 मार्च का शायद। 20 मार्च की डेट में एक पत्र है गांधी वांग्मय में, जिस पत्र से ये साबित होता है कि भगत सिंह की फांसी के सवाल पे गांधी का क्या दृष्टिकोण था, वो इरविन से क्या कहना चाहते थे। तो इस प्रमाण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत ज़रूरी बात। हाँ, तो पूरा एस्पेक्ट इसलिए ये हो जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उनमें विश्वास करने वाले लोगों को आपस में एक दूसरे से उलझा दिया जाता है। अच्छा, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, हमारे बहुत से नेता थे अलग अलग रास्ते से आज़ादी की बात कर रहे थे, और भारतीय समाज तो वैसे भी इसी दृष्टिकोण को मानता है कि ईश्वर की प्राप्ति के बहुत से तरीके हो सकते हैं, कोई एक ही तरीका नहीं है। तो हमारी आज़ादी के लिए भी बहुत से विचार हो सकते हैं। तो भगत सिंह का एक विचार था, गांधी का भी एक विचार था, सुभाष चंद्र बोस का एक विचार था। तो ये वैचारिक अंतर हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तो सबका एक ही था, भारत की आज़ादी। तो एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगत सिंह और गांधी कार्य कर रहे थे। उनमें सहयोग था, लेकिन रास्ता कैसे बनेगा इस आज़ादी का, इसको लेके थोड़ा मतभेद था, उस पर वैचारिक चर्चा हो रही थी। पर इसमें भी एक सवाल मेरा ये आता है राकेश जी, गांधी जी बात करते हैं स्वराज की, स्वावलंबन की, तो क्या भगत सिंह ने भी स्वराज की बात की, जिस तरीके का स्वराज महात्मा गांधी हिंद स्वराज में जिक्र करते हैं। देखिए, सवाल अब यहाँ समझने का ये है कि भगत सिंह बहुत अल्प आयु में अपने संघर्ष के मैदान में थे, क्रांतिकारी पार्टी की दुनिया में थे, बहुत अल्प आयु में उनको फांसी की सजा हो गई, तो वो अपनी बात को सीधे सीधे कह रहे थे, है ना, सीधे सीधे अपनी बात को कह रहे थे कि भाई क्रांति होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, रूस की क्रांति का भी उन पर प्रभाव था, है ना। तो क्रांति की बात को सीधे कह रहे थे। गांधी जी को हम देखते हैं कि वो एक रणनीति के तहत भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के मैदान में उतरते हैं। जैसे गांधी जी जब हिंदुस्तान आए तो गोखले के कहने पे एक साल तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया राजनीति, वो पूरे देश में घूमते रहे। उसके बाद उन्होंने पहला विरोध हिंदू यूनिवर्सिटी के मंच पे पहला विरोध अपना व्यक्त करा, अपनी बात रखी BHU में। तो ये एक रणनीतिक बात है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे, लखनऊ पैक्ट पे काम करते रहे, तिलक के साथ, तिलक भी मेरे गुरु हैं, की बात करते रहे। फिर रोलट एक्ट और जालियांवाला बाग का विरोध करा,
तो स्टेप बाय स्टेप एक रणनीति से बढ़ रहे हैं, उसी तरह वो अपने लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप रख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस एक व्यापक संगठन है जिसकी स्थापना तो ह्यूम ने ही करवाई और एक तरह से वो लोकतंत्र में लोगों के विरोध को व्यक्त करने के माध्यम के रूप में उसकी रचना हुई, लेकिन उसी कांग्रेस को लालवाल पाल ने एक दूसरे फॉर्म में पहुंचा दिया देशभक्ति के भंग भंग के विरोध में, है ना। वही अंग्रेज उसके खिलाफ हो गए कांग्रेस के। तो एक बड़ा संगठन जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी बात रखता है। तो कांग्रेस के प्लेटफार्म पे 1930 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को नौजवानों को ही नेता आगे बनाते हुए ये शपथ ली गई रावी के तट पे कि हम पूर्ण स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे। उससे पहले तो कांग्रेस की मांग स्वराज की थी, औपनिवेशिक स्वराज, यानी हम अंग्रेजों का ही राज्य रहेगा लेकिन हमें अपना शासन करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी कुछ। तो गांधी जी की बात भी स्वराज पे इसी तरह थी। और फिर एक व्यापक दार्शनिक आदमी होता है तो अपनी बात को बदलता रहता है, उसमें नए एक ही शब्द में नए वो भर दिए जाते हैं। गांधी का स्वराज जो औपनिवेशिक स्वराज की बात थी वहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ तक ग्राम स्वराज तक पहुँच गया, गांव के स्वराज की बात होने लगी, है ना। तो इसलिए गांधी जी ने स्वराज शब्द उठाया तो वो किसी समय में कम स्वतंत्रता की बात थी, कभी पूर्ण स्वाधीनता की बात थी, कभी उसमें लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी गांव के स्वराज की बात थी। तो वो अलग अलग फेस में आता है ना। तो गांधी की एक मैच्योर ढंग से व्यापक रणनीति के तहत अंग्रेजों से लड़ाई थी जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही थी। और भगत सिंह की लड़ाई जो यंग एज की बात होती है वो सीधे सीधे एक लड़ाई थी। रूस की क्रांति का प्रभाव था 1917 के बाद, तो उस प्रभाव से एकत्रित नौजवान सीधे भारत में क्रांति की बात कर रहे थे, तो भगत सिंह उनमें से एक थे। तो ये अंतर है।